हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान के दीपक में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं कि हम पौधा कैसे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं नर्सरी से नींबू का पौधा जो अभी बिल्कुल पैक्ड है। अब हम इसको लगाएंगे। इस पर देख सकते हैं आप, छोटे छोटे नींबू भी लगे हैं। एक कागजी नींबू का पौधा है जो अक्सर नर्सरी पर मिलता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा मिलता है। तो दोस्तों अब देखिए, ये बिल्कुल पैक्ड है। अब हम इसको लगाने जा रहे हैं खेत में। तो देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले खेत पे एक गड्ढा बना लेंगे। गड्ढे को हम अच्छी तरह से खोद लेंगे जिसपे कि नींबू का पेड़ आराम से आ जाए। गड्ढा ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। तो दोस्तों आइए हम अब इस लेमन नींबू का पौधा लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसको पन्नी से बाहर निकाल लेंगे जो कि एक पॉलीथीन में पैक होके आती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले पन्नी को आराम से फाड़ लेंगे ताकि मिट्टी फूटे ना, जिससे कि पौधे को नुकसान हो सकता है इसकी जड़ों को। तो सबसे पहले देखिए आप, जैसे कि हमारा गड्ढा यहाँ पे रेडी है, तो हम इस गड्ढे की मिट्टी को जो है बिल्कुल बारीक रखेंगे जिससे कि जड़ें आसानी से ज़मीन में चली जाएं। तो हम उठाते हैं, जैसा कि हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, यह बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो हम पन्नी को आराम से निकाल लेंगे ताकि मिट्टी नीचे ना निकले। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जड़ें भी हैं जो बहुत अच्छी तरह से दिख रहे हैं और ये ज़मीन में आराम से लग जाएंगी। तो हम इसको ज़मीन में लगाते हैं। अब तो ये थोड़ा डाउन लग रहा है, तो ज़्यादा डाउन होने पर ये सड़ भी सकता है। हम इस पर थोड़ा और मिट्टी डाल लेते हैं। मिट्टी डालने के बाद ज़मीन को टाइट कर लेते हैं जिसमें पौधा आराम से रखा जा सके। अब हमने पौधा रख लिया है, ये बिल्कुल सही है। अब इसको चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी से दबा देंगे ताकि मिट्टी बिल्कुल ढीली ना हो और ये पौधा अच्छे से जम जाए। तो अभी हमारा पौधा लगभग लग चुका है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं हमारा पौधा बिल्कुल लग चुका है, यह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसको आप चारों तरफ से देख सकते हैं, यह बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, यह बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो आइए दिखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसमें पानी डाल लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं आना चाहिए, अगर ज़्यादा पानी हो गया, ये तो बरसात का मौसम है, पौधा सड़ भी सकता है। तो दोस्तों हम दो तीन दिन तक इसमें पानी डाल देंगे जो गड्ढा है, उसके बाद हम इस गड्ढे को भर लेंगे ताकि इसमें बारिश का पानी ज़्यादा जमा ना हो और ये पौधे सड़ा। अपना कीमती समय देकर हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।